मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो, उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने, मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था, वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहले नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला, उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है सर, इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब, आपको कितने जन को लगता है, सबको वही लगता है, वही बॉडी शेमिंग, चलो सबको सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था, और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे, ये बोला था। फेस शेमिंग में आता है सर, सर मुझे, चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी, और अगर वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते हैं सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सुंदर नहीं। एक सेकंड सर, बात क्या हुई थी, जब पार्लर शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है, तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूंगी, और उससे पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज गलत थी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज तो गलत लगेगी ना। और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ, आपने बोला चलो मैंने उसको बोला, उसके बाद अंदर सॉरी बोला, मैंने बॉडी शेमिंग की, और जो रोज मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे सामने तो कोई नहीं आया सॉरी, आठवीं फेल बोला, जैसे सना सुल्तान मुझे बोलती है थुलतला, इसको मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी, क्योंकि मैं लड़का था ना। उसी पे कुछ कहना चाह रही है, बताइए जी। मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट। तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते हैं, छोड़ ना तू इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, यू नो उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी। तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था। और रही बात, मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है, विशाल ने डे वन से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ, आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड, किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, रणबीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है, उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत है, एक सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना। और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट मेरा भेद खुल गया, उसने ये भी बोला मुझे, आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साई को बोल रही हूँ कि साई तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणबीर जी के कान में साई के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ, रणबीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना साईं यही सोचेगा ना कि गलत था, आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है। तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूंगा आपके वजह से पूरा रायता फैला, और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपके जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो, भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई, हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा है, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है पागल है क्या। और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है। भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी था। आप मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है, तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा, उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था। देखिए को कोई बोले,
ऑब्वियसली बात है, किसी की बात की एक्सक्यूज नहीं ना। बाहर से जब कोई बोल रहा है उसके बाद अंदर का कंफर्म कर रहा है तो मैम ये तो अलग हो ही नहीं सकता ना। मैडम कंफर्म हो गया, वो सामने से खुद बोल रहा है मुझसे गलती हुई या फिर चीजों को बोल रहा है और उस टाइम फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है। ठीक है सर, वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूंगी, वो चीजें जरूर देखूंगी, पर आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी। मेरा जो सबके साथ था वो सबके साथ सेम रिएक्शन था। और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो, मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर। आज से 4 दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और 4 दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे, डिबेट वाली बात। उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ किसके साथ मत बैठ, यहाँ तक कि हम एक बेड पे सोते हैं वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर। अब नहीं सर, अभी बोला है, जब ये डिबेट हुई है ना जिस दिन राशन वाला टास्क था उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें करे, तब भी इन्होंने मुझे किचन में बोली थी बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं। लिपिका या अरमान, यू भी आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे। मैडम कुछ रिश्ते वो ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होता, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, अब बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं, मेरा नाम संदीप मलिक है और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है। तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कन्फर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है, पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी। वो चीज़ें किसी को नहीं पता क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, 2-4, 1-2 घंटे में हम नहीं सुना सकते, उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है। पर आप सही चल रहा है, पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे हो तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। हाँ लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं ना बड़ी जल कुकड़ियाँ होती हैं जी, तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से किस बीबी को सपोर्ट करते हैं। मैम देखो आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है, एक बारी नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे, एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे, वो अपने घर थी मैं अलग था, 1.5 साल के लिए अलग हो गए। हाँ, और बात रही गेम की, हाँ। अगर ये विनर है, पायल विनर है या मैं विनर हूँ या फिर यहाँ तक हम आए, हमारे इतना काफी। खैर इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं। मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। जितना भी मैंने उसको जज किया वहाँ पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर हनुमान जी ने मेरे से किचन में पूछा कि अगर तेरी कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो क्या करेगा, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो रैप्टा मारूंगा। पर उसके बाद ही वो सब छोड़ के चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया, विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला मका इसको ख़त्म करे एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना है अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर अरमान जी आते हैं, सारा मैटर होता तो वहाँ पे दोबारा अरमान जी सोफे पे जाके बैठते हैं, मैंने कहा अरमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को रणवीर जी को और दीपक जी को बुलाया वहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़। स्टिल अ स्पेशल केस, ओके थैंक यू।